4.7 का क्वेश्चन 5 और ऐड करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत अहम है क्योंकि बोर्ड में मोस्ट वीडियो क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये मोस्ट वीडियो क्वेश्चन है, यानी आप प्लीज उठा के देखें तो कोई शायद ये सब पेपर हो, पास्ट पेपर जिसमें ये क्वेश्चन ना आए हो, लिहाजा आप ये समझे पक्के आपके 4 नंबर है, ये पक्के आपके, लिहाजा इसको फुल तवज्जो के साथ कंसंट्रेशन सुनना है। पहला क्वेश्चन आपको एक्स दिया हुआ है √5 + 2 क्या हुआ बेटा, और कहते हैं फाइंड, आपने फाइंड करना है x + 1/x और x² + 1/x² देखिए x तो आपके पास मौजूद है, ये बात बिल्कुल क्लियर है, आपको क्या चाहिए 1/x, 1/x होगा तो आपके पास x + 1/x करेंगे ना, समझ आ रही बात, देखो दो चीजों को जमा करें तो दूसरी चीज होगी तो आप जमा करेंगे ना, तो यहां एक चीज तो जगह करें, ऊपर देखें आपके पास x तो मौजूद है ना भाई, आपके पास क्या नहीं है 1/x, तो सबसे पहला काम ये होगा कि आप 1/x को लें, क्या लें देखें तो करें, ये x इज इक्वल टू √5 + 2, इसको मैं देखेगा गौर से सुनिएगा, मैं यूं भी पढ़ सकता हूं x/1 इज इक्वल टू √5 + 2/1 और किया समझेगा, मैंने क्या कहा x/1 इज इक्वल टू √5 + 2/1 क्योंकि जिसके जो क्वेश्चन से क्या होता है समझा गई बात। अब अगर मैं इस x/1 को, अगर मैं x/1 को 1/x कर दूं, क्या कर दूं तो 1/x क्या था, ये था x/1 क्या था, तो क्या कर दिया उल्टा कर दिया ना, इन्वर्ट कर दिया, तो ये भी क्या जाएगा, तो ये क्या जाएगा, ये भी जाएगा 1/√5 + 2 क्या हो गया बेटा 1/√5 + 2। लेकिन मसला ये है ये आपके पास 1/x तो आपके पास आ गया लेकिन ये तो इरेशनल फॉर्म है, वही ये तो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ गया, डिनोमिनेटर में, तो मैंने क्या कहा था अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल आ जाए तो उसको हल करना मुश्किल होता है, लिहाजा पहले आप उसे रेशनलाइज करते हैं, क्या करते हैं रेशनलाइज करने का यह मतलब है कि आप उसके डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर को खत्म कर देते हैं, और वो खत्म करने का तरीका क्या है याद है मैंने कहा था बाय टेकिंग कंजुगेट, क्या कहा था बेटा, आप उसको इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, क्या कर दें जी, तो ये जुमला आप जो भी यहां लिख सकते हैं बाय टेकिंग कंजुगेट, और ये जुमला आप जो भी लिख सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, ठीक है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, ठीक है बाय √5 नहीं प्लस हो तो क्या होगा -2 √5 माइनस, ठीक है तो ये √5 - 2 इसका कंजुगेट है, इसका क्या है मैंने कहा था कंजुगेट का मतलब है एक साइन चेंज कर ले और इनवर्स का मतलब है दोनों साइन चेंज कर ले, ठीक है भाई, लिहाजा इसके साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं आपके सामने, तो देखिए 1/x इज इक्वल टू 1/√5 + 2 मल्टीप्लाई बाय √5 - 2 डिवाइडेड बाय √5 - 2 बिल्कुल कल की तरह जो सारा आगे होगा, सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए, कल मैंने क्वेश्चन आपको पार्ट 4 करवाया था, क्वेश्चन 4 का पार्ट 3 था, मैंने कहा इस संग सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है भाई, तो आप देखें 1/x समझिए कब है ऊपर वाले को नीचे वाले को, ये तरतीब है कि जब दरमियान में ब्लैक का साइन होगा अगर वो कैंसिल हो सकते हैं कैंसिल करेंगे, कैंसिल नहीं हो सकते फिर ऊपर वाला ऊपर से मिल जाते हैं नीचे वाला नोमिनेटर नोमिनेटर से मिल जाते हैं डिनोमिनेटर, आप में से बाहर की तवज्जो नहीं है भाई, इधर तवज्जो करें शाबाश, ऊपर देखें स्टॉप करें, अब मैम ने उनको मैंने क्या करें जब उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या करेंगे भाई नोमिनेटर को नोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो √5 - 2 × 1 ये होगा √5 - 2 और नीचे होगा भाई दोनों डिफरेंट है तो √5 + 2 मल्टीप्लाई बाय √5 - 2 ये देखें फॉर्मूला बन गया नहीं बन गया a - b × a + b इज इक्वल टू व्हाट a² - b² क्या बेटा बोलो a² + b² कोई फॉर्मूला नहीं है करोड़ों लगे इस बात को ध्यान ले लें जैसे a² - b² की फॉर्मूला है ऐसे a² + b² की फॉर्मूला नहीं है आपके पास इस जब इस संख्या को फॉर्म आती है तो आपके पास एक ही ऑप्शन होती है आपके पास और वो क्या होती है a² सब बोलो क्या है ठीक है भाई समझाज में तो जो से बोले आहिस्ता बोले सब बोले तो जो से बोले आवाज सबका जाए क्या भाई a + b × b बात से आगे बैठ गई बात इसलिए साथ प्लस बात को बंदा किया जाता है ये ना कहा करें यह आ गया
√5 - 2, तो वो जैसे भी आपने कहा a² - b², तो यहां a क्या है, 5 √5, शाबाश, √5 का स्क्वायर माइनस, बोलो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, शाबाश, तो जो करें, ठीक है बेटा। अब ये आपके पास आ गया 1/x इज इक्वल टू √5 - 2, और इसको रूप में लिखूं ताकि आपको नजर आए, ये दोबारा लिखता हूं, देखिए स्टेप को यहां से मैं काट देता हूं, यहां लिखता हूं ताकि आपको नजर आए, 1/x इज इक्वल टू √5 - 2 डिवाइडेड, जैसे कि आपने कहा स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, स्क्वायर अंडर रूट से स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो क्या आ गया 5, क्या आ गया बेटा 5, और 2 × 2 = 4, माइनस है माइनस 4, शाबाश, ठीक है। आगे देखें 1/x आपके पास आ जाएगा √5 - 2, और 5 में से 4 के 1, लिखने का फर्क है, आपके पास अब x भी आ गया, ये देखें क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, ये देखें x भी आ गया और रेशनलाइज फॉर्म में 1/x भी आ गया, क्या कहा बेटे बोलो, आपके सर 1/x यहां भी तो था लेकिन ये रेशनलाइज फॉर्म में नहीं था, लिहाजा पहले जब उसको क्या किया रेशनलाइज फॉर्म में लाया, अब डिनोमिनेटर में इरेशनल है नहीं, डी में 1 है, 1 तो रेशनल है, रेशनल तो नहीं है, ठीक है भाई, डिनोमिनेटर में आया वो बेशक हो, उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसी कंजुगेट भी कहते हैं, ऐसे ही ठीक है। चले भाई अब हम कर सकते हैं एक्स प्लस, अब हम कर सकते हैं एक्स प्लस 1/x, तो चले भाई अब करते हैं, देखें एक्स प्लस 1/x क्या कहा बेटा, अब एक्स की वैल्यू क्या है सब बोलो, √5 + और 1/x क्या है, दरमियान में क्या है, तो प्लस तो ब्रैकेट है क्योंकि प्लस से फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा प्लस अपनी जगह पर और √5 - 2 कैंसिल, कौन सा हो रहा है, शाबाश, प्लस 2 - 2 से कैंसिल, तो एक्स प्लस 1/x क्या आ गया 2 √5, शाबाश, क्या आ गया बेटा, एक्स प्लस जैसे 2x होता है ऐसे √5 + √5 क्या होता है 2 √5 होता है, स्टॉप करें, क्या आ गया 2 √5, तो पहली जो चीज आपने फाइंड करनी थी, पहली जो चीज आपने क्या फाइंड करना था, एक्स प्लस, ये देखिए आपने फाइंड कर दिया, अब रह गया ये स्क्वायर है ना बेटा, ये क्या है, अब याद से आप लोग गलती करते हैं, तो जो कीजिएगा फॉर्मूले मैंने याद ना उसमें आपको लिखवाए दिए, इसलिए मैंने बेटा गलती की गुंजाइश नहीं है, टैकिंग स्क्वायर बोथ साइड, क्या कहा बेटा, टैकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दो दो स्क्वायर लेना, क्यों, क्योंकि स्क्वायर चाहिए, क्योंकि क्या चाहिए, तो जो कीजिएगा एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 √5 का फॉर्मूला है या नहीं, याद है या नहीं याद, अब गलती की गुजाइश है नहीं, जी बेटा क्या होगा बोलो, x² + 1/x² आगे, शाबाश, बहुत शारफ, वेरी गुड, प्लस 2, एक्स प्लस 2 आप भूल जाते हैं, वही 2ab वाला फॉर्मूला है ना, लेकिन a भी यहां नहीं होगा क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, एक्स वन बाय से क्या हो जाता है, जो ये भूलिए उसकी शायद नहीं, इसलिए तो जो करें x² + 2, एक्स प्लस 2 की आप गलती करते हैं, ठीक है, ये गलती नहीं करनी, आगे इज इक्वल टू 2 / √5 / 2 मैंने कहा था दोनों पे होता है, अब देखें x² + 1/x² ये 2 × 2 = 4, 5 पे अंडरूट खत्म हो गया क्योंकि स्क्वायर अंडरूट से कैंसिल होता है, आपके साथ प्लस 2 कहां चला गया, दूसरी साइड लेके जाऊंगा, साइड चेंज होने से तो ये मैं इसको साथ ले लिया माइनस 2 हो गया, क्या हो गया बेटा, बस आखिरी स्टेप है, क्या है बेटा, देखिए x² + 1/x² ये कितना है 20, 20 - 2 कितना था बेटा 18, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर, आपके पास आपने फाइंड करना था x + 1/x, आपने फाइंड करना था x² + 1/x², तो आपने वो भी फाइंड कर दिया, x + 1/x भी फाइंड कर दिया और x² + 1/x² भी फाइंड कर दिया, जो कि 18 आया, जो कि क्या है बेटा, सबको क्लियर हो गया, स्टॉप।